स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रकट वैलिडिटी की और इसकी टाइप्स की कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ अ टाइप ऑफ मयरमेंट वैलिडिटी दैट यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स और इसकी दो टाइप्स हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वट इज़ कन्वर्जेंट वैलिडिटी इट्स अ टाइप ऑफ मयरमेंट वैलिडिटी फॉर मल्टीपल इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिकेटर्स ऑफ वन कंस्ट्रक्ट विल एक्ट अ लाइक और कन्वर्ज यानी हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमने स्केल डेवलप किया है किसी भी वेरिएबल को बैयर करने के लिए उसकी तमाम आइटम्स जो हैं वो एक ही तरह की होंगी और उनमें एक कन्वर्जेंस होगी तो जैसे इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हाँ हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की और हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि एक जो रिस्पॉन्डेंट है उसकी कितनी एजुकेशन उसने कंप्लीट की है अगर किसी ने कहा है कि वो उसने स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की है उसने सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट किया है या उसने हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट किया है तो हम उससे जो आ, सवाल पूछेंगे आ, उसकी इस कंपिटेंस को चेक करने के लिए तो वो उसी लेवल के होंगे सेकेंडरी स्कूल लेवल के या हाई सेकेंडरी स्कूल लेवल के और फिर देखेंगे कि क्या वो जो उसका एक्वायर्ड नॉलेज है क्या वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसी तरह अगर हम Uh, एक रिस्पॉन्डेंट है कि वो ये कहता है कि उसने ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके लिए जो उसका नॉलेज टेस्टिंग होगा वो फिर ग्रेजुएट लेवल पे हम देखेंगे उसकी जो आइटम्स डेवलप करेंगे उसकी नॉलेज असमेंट के लिए वो ग्रेजुएट लेवल की होंगी और उससे देखेंगे कि क्या ग्रेजुएशन करने के बाद क्या उसका उतना रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज है या नहीं है सेम इज़ द केस विद द प्रोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल अगर किसी शख्स ने एम या पी की हुई है तो उसके लिए जो हम आइटम्स डेवलप करेंगे वो रिलेटिवली जो है वो इन दोनों से ग्रेजुएशन और हायर सेकेंडरी स्कूल से हम मुश्किल होंगी क्योंकि हम ये ज्यूम करते हैं कि आफ्टर हैविंग ऑप्टिमम एजुकेशन तो वो ज़्यादा क्रिटिकल और एनालिटिकल होगा और उसका नॉलेज जो है ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स तो उसको फिर हम उस लेवल पे जो है उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए जो है स्केल डेवलप करेंगे वट इज़ अ डिस्क्रमिनेंट वैलिडिटी डिस्क्रमिन वैलिडिटी इज़ अ टाइप ऑफ आ मैरमेंट वैलिडिटी फॉर मल्टीपल इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट डाइवर्ज यानी उसमें तो था ये कि वो सारे एक ही जो एक अगर हमारा मैयर है तो वो आ, जो है उसके आइटम्स जो हैं वो एक जैसे होंगे कन्वर्ज करेंगे यहाँ पर ये है कि फॉर इंस्टेंस हम पोलिटिकल uh, uh, जो है बिलीव जो चेक करना चाह रहे हैं लोगों का तो उसके डिफरेंट आगे सब कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं यानी पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म हो सकता है और एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म उसका कंस्ट्रक्ट हो सकता है तो इसमें ये होगा कि जो जिसका स्कोर पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म पे हाई था। होगा उसका स्कोर पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे लो होगा और जिसका पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे स्कोर था। हाई होगा उसका पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म पे स्कोर लो तो होगा यानी ये दो एक दूसरे के Uh, 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 जो है अपोजिट टू ईच अदर है uh, कि अगर एक uh, शख़्स के पोलिटिकल बिलीफ कंजरवेटिव इन नेचर हैं तो वो उसका स्कोर जो है लिब्रलिज़म पे लो आना चाहिए तो ये हम चेक करते हैं डिस्क्रमिन वैलिडिटी में कि जो कॉन्स्ट्रक्ट्स इस तरह के हैं वो अपोज़िट टू ईच अदर होते हैं और उसके लिए हम इसकी एक वैल्यू कंप्यूट करते हैं तो ये हम जब क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से देख देखेंगे कि हम डिस्क्रमिनेंट uh, वैलिडिटी और प्रडिकटिव वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी को कैसे चेक करते हैं तो इस मॉड्यूल के साथ हमारा जो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है उसकी अंडरस्टैंडिंग uh, जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट uh, जो मॉड्यूल है उसमें हम बात करेंगे फैलिसज इन सोशल रिसर्च की